हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज दोस्तों हम लोग ज्योग्राफी की अगली क्लास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। याद रखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में। इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर किया, ठीक है, किसके बारे में, तो मैंने आपको पढ़ाया था ग्रह के बारे में और आठों ग्रह के बारे में विस्तार से एक सीक्वेंस में हम लोगों ने बहुत कुछ चीज़ों को पढ़ा, ठीक है। उसके पहले की क्लास में दोस्तों हम लोगों ने मंडल के बारे में पढ़ा था, यानी सूरज के बारे में पढ़ा था। उसके पीछे हम लोगों ने तारों के बारे में पढ़ा था, उसके पहले आकाशगंगा के बारे में पढ़ा था, और उसके पहले ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा था, और उसके भी पहले हम लोगों ने ज्योग्राफी हमको कैसे पढ़नी है उसके बारे में डिटेल से चर्चा किया था, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास के बारे में बात करते हैं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए होता क्या है ना कि आज जब मुझे टॉपिक पढ़ाना था तो मुझे यह समझ में आया कि चलिए फटाफट चलता हूं, सीधे बताता हूं पृथ्वी गोलाब होती है और सीधे अच्छा से रेखाओं अंतर रेखाओं से आपकी कहानी शुरू करता हूं। बट मुझे अचानक से याद आया कि दो ऐसे टॉपिक हैं जो आप लोग नहीं पढ़ते और मेरा काम वही पढ़ाना है। कौन-कौन सी टॉपिक? अच्छा, वो ऐसे टॉपिक है ना, इतने कंफ्यूजिंग टॉपिक है, या हम कह लें कि इतना टफ टॉपिक है वो, कि आपका मन भी नहीं लगता पढ़ने में। एक उसमें से है कि पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास कैसे हुआ। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं सिद्धांतों के बारे में, अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या सोचा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, आप कैसे सोचते हो, आपको क्या लगता है कि पृथ्वी कैसे आई, ठीक है। तो ये हम पढ़ने वाले हैं। और दूसरी टॉपिक है दोस्तों कि आप पढ़ते हो कि क्रिटेशियस काल क्या होता है, जुरासिक काल क्या होता है, ठीक है, प्लियोसीन क्या होता है, मायोसीन क्या होता है, कैम्ब्रियन युग क्या होता है, कल्प क्या होता है, महाकल्प क्या होता है, क्रिटेशियस क्या होता है, कैम्ब्रिस क्या होता है, प्री कैम्ब्रियन काल क्या होता है। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिसमें बड़ा कंफ्यूजन आपको होता है। तो इसके बाद का लेक्चर आपका वही होगा क्योंकि बहुत कठिन है और हम लोग एक सीक्वेंस में पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। दोस्तों अगर आपको समझना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विकास कैसे हुआ, तो इससे संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी परिकल्पनाएं हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, जितने भी सिद्धांत हैं, मतलब वो वैज्ञानिक तरीके से प्रूफ हो चुके हैं, और जितने भी परिकल्पनाएं हैं, परिकल्पना माने क्या होता है, हाइपोथेसिस, मतलब एक सोच विकसित कर लिया कि कुछ ऐसा ऐसा ही हुआ होगा, उसको बोलते हैं परिकल्पना। तो इससे संबंधित जितने भी परिकल्पनाएं हैं, जो भी सिद्धांत है, वो दो लोगों के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? दो लोगों के द्वारा। या तो किसी वैज्ञानिक ने परिकल्पना या सिद्धांत दिया है, या तो किसी दार्शनिक ने दिया है। तो शुरुआत में दोस्तों लोग वैज्ञानिक नहीं हुआ करते थे, लोग दार्शनिक हुआ करते थे, लोग फिलासफर हुआ करते थे। आप भी कुछ फिलासफर के नाम जानते होंगे, जैसे सुकरात कितने बड़े सोचो, प्लेटो एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, ठीक है, अरस्तु बहुत बड़े दार्शनिक थे, ऐसे लोगों का नाम सुने ना, पाइथागोरस बहुत बड़े दार्शनिक थे। तो ऐसे करके बहुत सारे लोगों का आपने नाम सुना होगा। तो ये जो दार्शनिक लोग होते थे ना, ये क्या करते थे, ये इस पर चिंतन मनन करते थे, विचार करते थे और अपने सिद्धांतों को दिया करते थे, ठीक है, और उसको मान लिया जाता था, उसको सब लोग स्वीकार भी कर लेते थे, क्योंकि दार्शनिकों से ज्यादा टैलेंटेड कोई धरती पर होता नहीं था उस जमाने में। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों 600 BC की, जिस समय में हमारे यहां महाजनपद काल हुआ करता था, उस समय की बात कर रहा हूं, उस समय के लोग दार्शनिक थे। आप समझो ना, सिकंदर के गुरु की बात कर रहा हूं, अरे भाई सिकंदर के गुरु थे अरस्तु, ठीक है, तो मैं अरस्तु की बात कर रहा हूं, आप समझो कि कितना पुराना जा रहा है, अरस्तु के पहले सुकरात की बात करूं। तो ऐसे करके याद रखिए, जो दार्शनिक थे उनके द्वारा ये सिद्धांत जो है दिए गए थे, और उन्हीं में से कुछ दार्शनिकों के बारे में आज मैं पढ़ाने वाला हूं कि उन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास से संबंधित कौन सी अपना सिद्धांत दिया है, कौन सी परिकल्पना दिया है। दोस्तों अगर आपको परिकल्पनाओं के बारे में समझना है, तो पहले यह समझना पड़ेगा कि ये जो विचारधारा है, ये विचारधारा दो प्रकार की विचारधारा है जो कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है। कितने तरह की विचारधारा? तो पहले आप विचारधारा की बात कर लो, जिसमें से दोस्तों एक तो सिंपल सी है कि दो तरह की विचारधारा, यानी एक आरंभिक विचारधारा रही होगी शुरुआत में, जो पहले के लोग सोचा करते थे। तो याद रखिए पहली थी आरंभिक विचारधारा। क्या थी? आरंभिक विचारधारा। एकदम इत्मीनान से पढ़िएगा, मैं इस टॉपिक को इतना आसान पढ़ाने वाला हूं कि आप सभी को एक एक शब्द याद हो जाएगा, ठीक है। दूसरी है आधुनिक विचारधारा, या आप कह सकते हो कि वर्तमान विचारधारा, आधुनिक या वर्तमान, ठीक है, तो ये कह सकते हो। तो एक आधुनिक विचारधारा है दोस्तों, एक वर्तमान विचारधारा है। अब पहले हम लोग बात कर लेते हैं आधुनिक विचारधारा, सॉरी आधुनिक नहीं, सबसे पहले बात कर लेते हैं आरंभिक विचारधारा पर, कि पहले के लोग क्या सोचा करते थे, ठीक है। और उन लोगों में चार लोगों का नाम आता है। कितने लोगों का नाम आता है? चार लोगों के द्वारा ये परिकल्पनाएं और सिद्धांत दिए गए, जिसमें हम पढ़ेंगे कि आरंभिक विचारधारा में लोग क्या सोचते थे, मतलब कि जिस समय साइंस एंड टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी का आविष्कार तक नहीं हुआ था भाई, न टेलीस्कोप था, न दूरबीन था, न हम सोच सकते थे कि भाई चंद्रमा होगा तो कैसा होगा, पृथ्वी कैसी होगी, उसका आकार कैसा होगा। भाई आप सोचो ना, ईसा मसीह के जन्म के 600 साल पहले कोई क्या सोचेगा, टेक्नोलॉजी नहीं थी तो कोई सोचेगा क्या। हाँ, दार्शनिकों ने कुछ कहा और उसी को सिद्धांत मान लिया गया, और अच्छी बात है दोस्तों कि वो आज के सिद्धांतों से मिलता जुलता भी है, ठीक है। तो याद रखिए, और एक चीज और याद रखिएगा, इसको याद करने का एक तरीका यह है कि आरंभिक विचारधारा में दोस्तों कुल मिलाकर के चार चीजों पर जो है चिंतन किया गया। कितने चीजों पर? कुल मिलाकर के चार चीजों पर दोस्तों, जिसमें से पहला था जल। क्या था? जल। दूसरा था वायु, ठीक है, और तीसरा था पदार्थ, और चौथा है दोस्तों अग्नि। याद रहेगा आपको, सिंपल सी बात बता रहा हूं, याद करने की टेक्निक है, समझ लो, नहीं तो समझ याद नहीं कर पाओगे कि आरंभिक विचारधारा में लोग क्या कहा करते थे। आरंभिक विचारधारा में चार चीजों को आधार मान करके, एक एक चीजों को, कुछ लोगों ने जल को आधार मान करके पृथ्वी की उत्पत्ति की व्याख्या किया, कुछ लोगों ने वायु को आधार मान के किया, कुछ लोगों ने पदार्थ को आधार मान के किया, और कुछ लोगों ने अग्नि को आधार मान करके क्या किया, पृथ्वी की उत्पत्ति की व्याख्या कर दी, ठीक है। और कैसे और किसने किया तो ये बात, ये तो सबसे पहला नाम आता है दोस्तों थेल्स का। किसका नाम आता है? थेल्स का नाम आता है। तो चलिए आपको बताता हूं दोस्तों, जिसमें से पहले व्यक्ति थे थेल्स, दिख रहा है आपको, चलिए थेल्स। दोस्तों हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग थेल्स का नाम न सुने हो। अब बात आती है कि सर इनको याद कैसे रखा जाए थेल्स का, तो याद रखिए दोस्तों, जो थेल्स थे ये यूनान के महान दार्शनिक थे। कहां के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे, जिनके बारे में देखिए नोट कर रहा हूं मैं यहां पर कि ये यूनान के महान दार्शनिक थे। महान दार्शनिक, ये जितने लोग हैं ना, चारों लोग ये दार्शनिक ही हैं, ठीक है। तो एक बात तो है कि यूनान के महान दार्शनिक थे। दूसरी बात है दोस्तों कि आपको थेल्स के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन आपको एक चीज के बारे में पता होगा कि हम लोग गणित में पढ़ते हैं जियोमेट्री को। क्या पढ़ते हो? जियोमेट्री। जियोमेट्री को हिंदी में बोला जाता है ज्यामिति। क्या बोला जाता है? ज्यामिति। और दोस्तों ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? थेल्स को कहा जाता है। क्या आपको नहीं पता? अगर आप कभी पढ़े भी होंगे तो हो सकता है आप भूल गए होंगे। अब याद आ गया सर, याद रखिए यूनान के महान दार्शनिक थे, और इसके अलावा इनको ज्यामिति का क्या माना जाता है? ज्यामिति का जनक कहा जाता है। ज्यामिति का जनक मतलब बहुत टैलेंटेड आदमी थे, ठीक है। इन्होंने मिस्र के पिरामिड का जो आकार था, उस आकार के आधार पर इन्होंने कई सारे गणितीय समीकरणों को सुझाया, ज्यामिति के बहुत सारे फार्मूलों का आविष्कार किया, बहुत कुछ किया। मतलब गणित के क्षेत्रों में इनका बहुत बड़ा योगदान था, और उसके साथ ही साथ दोस्तों भूगोल के क्षेत्र में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। अब आगे की बात आती है दोस्तों, थेल्स का ये मानना था कि थेल्स हमेशा एक तत्ववाद का समर्थन करते थे। किसका करते थे? एक तत्ववाद का समर्थन करते थे। इसका मतलब क्या होता है? एक तत्ववाद माने क्या होता है? एक तत्व मतलब एक ही तत्व को मानते थे कि इसी तत्व से सृष्टि का जन्म हुआ है, और बाद में चल के सब कुछ इसी एक ही तत्व में क्या हो जाएगा? समा जाएगा। और वो तत्व था कौन सा था? तो याद रखिए थेल्स का मानना था जल। थेल्स का क्या मानना था? कि जल ही वह तत्व है, जल ही वह तत्व है जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ है। जिससे सृष्टि मतलब क्या हो गया? जिससे सृष्टि अर्थात पृथ्वी का निर्माण हुआ है। यह किसका मानना था? यह मानना था थेल्स का, इससे निर्माण हुआ है। और एक चीज उनका और कहना था कि बाद में चल के अपने अंतिम समय में यह पृथ्वी जल में ही विलीन हो जाएगी। आप लोग कहते हैं ना, एक महाप्रलय आएगा और पूरी पृथ्वी जल में समाहित तो हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखिए ये थेल्स ने कहा। दोस्तों थेल्स के पहले की बात करूं, क्या उसके पहले कोई टैलेंटेड आदमी नहीं थे? बहुत लोग टैलेंटेड थे, बहुत अच्छे-अच्छे लोग थे, बहुत बड़े-बड़े दार्शनिक थे, लेकिन उन लोगों का मानना था कि पौराणिक ग्रंथों के आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति को मानते थे। किसके आधार पर? पौराणिक ग्रंथों के आधार पर। सबसे पहले थेल्स ने पौराणिक मान्यताओं का खंडन करते हुए वैज्ञानिक रूप से इसकी व्याख्या किया कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है? जल से हुआ है, ठीक है। पृथ्वी का निर्माण जल से हुआ है, और एक तत्ववाद का इन्होंने क्या किया? समर्थन किया। कोई दिक्कत? तो ये इन्होंने वैज्ञानिक व्याख्या कर दिया, और उसी को बाकी सब लोगों ने क्या कर लिया? मान लिया, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने भी कहा कि अंत में जो पृथ्वी है जल में ही विलीन हो जाएगी। बस इतनी सी बातें आपको याद रखना है थेल्स के बारे में। कुछ लोगों का कहना था सर हम स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं मैं थोड़ा सा समय दे दूंगा, आप उतने समय में ले लिया करिए। अभी दिख रहा है आपको? चलिए क्लियर हो गया तो ले लीजिए, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो रही थेल्स की बात। थेल्स के एक शिष्य थे दोस्तों, थेल्स के एक शिष्य थे जिनका नाम था अनेक्जिमेंडर। कहीं कहीं पे इनका नाम दोस्तों अनेक्जिमेनीज लिखा होता है, ठीक है। तो अब चलिए उनके बारे में आपको बताता हूं। दूसरे नंबर पर मैं बात करता हूं अनेक्जिमेंडर का, ठीक है, अनेक्जिमेंडर, और कहीं कहीं पे लिखा होता है अनेक्जिमेनीज, ठीक है।
अनेक्सिमेनीज, ठीक है दोस्तों, ये शिष्य थे, ये किसके शिष्य थे, तो याद रखिए थेल्स के शिष्य थे, ये कौन थे, थेल्स के शिष्य थे, तो यहां पे लिख दे रहा हूं कि थेल्स के शिष्य थे, ठीक है याद रखिए थेल्स के शिष्य थे, पहली बात। दूसरी बात आती है दोस्तों कि अनेक्सिमेंडर ने क्या कहा, तो अनेक्सिमेंडर का भी नाम आप सभी ने नहीं सुना होगा, सर इसका भी कुछ ट्रिक दे देते, जैसे आपने बताया कि ज्यामिति का जनक कहा जाता है थेल्स का, तो दोस्तों याद रखिए सबसे पहले मानचित्र अगर किसी ने बनाया था तो किसने बनाया था, अनेक्सिमेंडर ने बनाया था, ठीक है इसको भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है तो सबसे पहले मानचित्र को बनाया, उसके बाद दोस्तों इन्होंने पृथ्वी की दूरी को नाप करके बताया कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, पृथ्वी की व्यास कितना है, इसके बारे में पहली टिप्पणी किसकी आई थी, अनेक्सिमेंडर की आई थी, तो ऐसे करके भी आप याद रख सकते हो। अच्छा इन्होंने क्या कहा, इन्होंने दोस्तों वायु को आधार माना, इन्होंने कहा कि सभी चीजों का जन्म किससे हुआ है, वायु से हुआ है, ये वायु ही है जो अग्नि का रूप ले लेता है, अग्नि ठंडा होकर के जल का रूप ले लेती है, बाद में ही पृथ्वी का रूप ले लेगी, ठीक है तो इन्होंने क्या माना, इन्होंने वायु को माना। लेकिन एक चीज और इनके बारे में याद रखिएगा दोस्तों कि इन्होंने बहुतत्ववाद का समर्थन किया, जैसे इनके गुरु ने क्या किया था, एक तत्ववाद का समर्थन किया था, वैसे इन्होंने बहुतत्ववाद का समर्थन किया, कोई दिक्कत, बहुतत्ववाद का समर्थन किया था, इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों ये क्या मानते थे, तो इन्होंने माना कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो वायु से हुई है, क्या माना, वायु से हुई है, कैसे वायु से हुई है, तो सबसे पहले माना कि वायु ही क्या है, अग्नि का स्वरूप, वायु आगे चल के क्या होगा, अग्नि का स्वरूप लेगा और अग्नि ही ठंडा होकर क्या बनेगी, जल बनेगी, और इसके बाद क्या होगी, इसी के बाद जो है पृथ्वी का निर्माण होगा, पृथ्वी की उत्पत्ति होगी। दोस्तों मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं ये परिकल्पनाएं हैं, उस समय में कुछ था नहीं, साइंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं था, उसका कुछ डेवलप नहीं था, कुछ पता नहीं था, तो जो जैसे ही व्याख्या कर रहा था वैसे ही उनको लिख दिया गया, तो ये चीजें आपको हूबहू याद करना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों उनका मानना क्या था कि वायु है जो तरल होकर क्या बन जाता है, जल बन जाता है, यह वायु ही अग्नि बन जाती है, यह वायु ही ठंडा होकर शीतल होकर के पृथ्वी की सतह का निर्माण करेगा या जम करके पृथ्वी की सतह का निर्माण करेगा, यह अनेक्सिमेंडर का कथन था, उनका मानना था, तो इसको आप याद रखेगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। चलिए इनके बारे में इतना ही, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पे चलते हैं, जिन्होंने पदार्थ के बारे में बताया, इनके बारे में, इनका नाम तो आप सभी ने सुना होगा, पाइथागोरस इनका नाम था, क्या नाम था, पाइथागोरस। वैसे देखो बहुत टिपिकल टॉपिक है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी आप इंटरेस्ट दिखाएंगे तो आपका बड़ा मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। पाइथागोरस, ये तो वही वाला पाइथागोरस वाला प्रमेय है ना, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जी हाँ, जो फार्मूला उन्होंने दिया था, इन्होंने ही दिया था, पाइथागोरस ने, ठीक है। और पाइथागोरस का मानना था दोस्तों कि ये जो सृष्टि है, जो पृथ्वी है, इसकी उत्पत्ति पदार्थ से हुई है, इसकी उत्पत्ति पदार्थों के संयोग से हुई है। तो याद रखिए ये भी बहुत बड़े दार्शनिक थे, बहुत बड़े गणितज्ञ थे, और इन्होंने माना कि सब कुछ दुनिया में जो कुछ है वो पदार्थ एक संख्या मात्र है। भाई मैथमेटिक्स थे, ठीक है, तो मैथमेटिशियन थे, इनका क्या माना था, गणितज्ञ थे, तो सब कुछ को एक संख्या मानते थे, यहां तक कि पृथ्वी का निर्माण जिन पदार्थों से हुआ है उस पदार्थ को भी ये संख्या मानते थे। और इनका मानना था कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, तो पदार्थों के संयोग से हुई है। इसीलिए मैंने यहां पर हाईलाइट कर दिया कि आप याद रखिएगा, जल से किसने कहा, थेल्स ने, वायु से किसने कहा, अनेक्सिमेंडर ने, पदार्थ से किसने कहा, पाइथागोरस ने, ठीक है। तो इनका मानना था कि सृष्टि का जन्म कैसे हुआ है, पदार्थों के संयोग से हुआ है, पदार्थों के संयोग मतलब पदार्थों के मिलने से हुआ है, ठीक है, ये पाइथागोरस जी का कहना था। अगली बात आती है दोस्तों अग्नि, किसने कहा कि पृथ्वी की उत्पत्ति अग्नि से हुई है, आखिरी है, इनका नाम था हेराक्लिट्स, क्या नाम था, हेराक्लिट्स, यहां पर तो दिख नहीं रहा होगा, मिटाना होगा, चलिए मिटा देते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट ले चुके हो तो ठीक है। चलिए देखिए मैं आपसे पहले भी कर चुका हूँ दोस्तों कि अभी आप अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ने में कीजिए, ठीक है। आगे से जब एक आपकी क्लास कंप्लीट होगी खगोलिकी की, मैं आपको खगोलिकी का नोट्स तुरंत प्रोवाइड कर दूंगा, जिस दिन आखिरी क्लास होगी उस दिन आपको नोट्स मिल जाएगा, उसके एक दिन बाद पक्का मिल जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री को लेकर के थोड़ा सा हम लोग परेशान है, अभी हिस्ट्री पे काम कर रहे हैं, इस वजह से सही समय पे पीडीएफ आपको नहीं दे पा रहे हैं, नहीं तो मैं आपको दे देता, ठीक है। चलिए चौथे नंबर पे दोस्तों हैं हेराक्लिट्स, ठीक है, हेराक्लिट्स। अब हेराक्लिट्स का क्या कहना था दोस्तों, इनका कहना था कि पृथ्वी
पृथ्वी की उत्पत्ति अग्नि से हुई है। दोस्तों इसी तरह का कुछ कहना अनैक्जिमेंडर का भी था, क्योंकि इन्होंने माना था कि वायु क्या होता है, वायु ही आगे चल के अग्नि का रूप धारण करता है, ठंडा होकर के क्या करता है, जल का रूप धारण करता है, और ज्यादा शीतल होने के बाद जम करके वह पृथ्वी की सतह का निर्माण करता है। ये अनैक्जिमेंडर का कथन था। और यहां पर हेराक्लिस का क्या मानना था कि नहीं, पृथ्वी की उत्पत्ति किससे हुई है, तो ये अग्नि से हुई है। क्यों? क्योंकि अग्नि से ही क्या बनता है, जल बनता है, अग्नि से ही क्या बनता है, जल बनता है, ठीक है, और अग्नि से ही पृथ्वी की उत्पत्ति भी मानी जाती है। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं दोस्तों कि ये जो चार लोग हैं इनका नाम आप याद रखिएगा, जब कभी मेंस में क्वेश्चन आता है तो इस तरह की आरंभिक विचारधाराओं के बारे में आपको लिखना पड़ता है। जब किसी टॉपिक के बारे में दो चार बातें आप जानेंगे तब उस टॉपिक के बारे में अच्छे से आप नोट कर सकते हो। मैं सिंपल सी चार फंडा आप याद रखना, जल वायु पदार्थ और अग्नि, जल वायु पदार्थ और अग्नि, इन्हीं चारों को आधार मान करके ठीक आरंभिक विचारधारा का जन्म हुआ, जिसमें सबसे पहले थेल्स का नाम आता है जिन्होंने जल को आधार माना था, उसके बाद अनैक्जिमेंडर का नाम आता है जिन्होंने वायु को आधार माना था, उसके बाद पाइथागोरस का नाम आता है जिन्होंने पदार्थ को आधार माना था, उसके बाद हेराक्लिट्स का नाम आता है जिन्होंने अग्नि को आधार माना था। ये एकदम सिंपल व्याख्या हो गई। आगे बढ़ते हैं और अब इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगले टॉपिक में दोस्तों हम लोगों को बात करना है आधुनिक विचारधारा के बारे में, यानी वर्तमान जो विचारधारा है ये क्या करती है। आधुनिक विचारधारा भी दो हिस्सों में बटी है दोस्तों। आधुनिक विचारधारा को समझना है तो आपको दो हिस्सों में बातचीत करना पड़ेगा, एक है अद्वैतवादी संरचना, एक है द्वैतवादी संरचना। ध्यान समझिएगा, आधुनिक विचारधारा भी दो हिस्सों में बटा है, एक है अद्वैतवादी अद्वैतवादी ठीक है संरचना, या मान लो ठीक है ये हो गया कॉन्सेप्ट अद्वैतवादी कॉन्सेप्ट, और एक है दूसरा आपका द्वैतवादी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो एक है अद्वैतवादी, दूसरा है द्वैतवादी, विचारधाराओं की बात कर रहा हूं। और आधुनिक विचारधारा ही दो हिस्सों में बटी है, एक अद्वैतवादी एक द्वैतवादी। अब एक समस्या आ जाती है दोस्तों कि जो संकल्पना है अद्वैतवादी संकल्पना या द्वैतवादी संकल्पना, तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि सर अद्वैत और द्वैत ये होता क्या है। तो छोड़ो, अद्वैत अद्वैत नहीं याद होता है तो मैं एक चीज बताता हूं। अद्वैत माने एक चीज आप याद रखो कि एक तारा की संकल्पना, एक तारा की संकल्पना, अब आपको याद हो जाएगी एक तारा की संकल्पना। जबकि दोस्तों द्वैतवादी में क्या है, द्वैतवादी में दो तारों की संकल्पना है, दो तारों की संकल्पना। अब ये क्या होता है दोस्तों, एक लाइन में पहले मैं डिफाइन कर दे रहा हूं कि ये दोनों चीज होते क्या है। एक तारा की संकल्पना का मतलब होता है कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति जो हुई है वो एक तारे की वजह से हुई। किसकी वजह से, बस एक लाइन की बात याद रखिए, हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे की वजह से हुई है। और द्वैतवादी कहते हैं कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति दो तारों से हुई है। अब देखिए कुछ वैज्ञानिक जो है, वैज्ञानिक और दार्शनिक, ये इस श्रेणी में आ जाएंगे कि अद्वैतवादी में कॉन्सेप्ट में आ जाएंगे, और कुछ विचारधारा जो है द्वैतवादी कॉन्सेप्ट में आ जाएंगे। तो दोनों को पढ़ना है। अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं द्वैतवादी क्या होता है, बाद में पढ़ते हैं दोस्तों अद्वैतवादी। अद्वैतवादी वैसे भी थोड़ा सा बड़ा है और कॉन्सेप्चुअल है, तो यहां पे चलते हैं हम लोग द्वैतवादी पे। दोस्तों अगर आपको द्वैतवादी संकल्पना के बारे में जानना है तो आपको दो लोगों के बारे में जानना पड़ेगा। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कांट, ठीक है, केवल दो ही व्यक्ति के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। मैं यहां पर मार्कर पहले चेंज कर देता हूं ताकि आपको दिखने लगे, ठीक है। तो एक व्यक्ति का नाम है दोस्तों कांट, कांट याद रहेगा कांट, और दूसरे व्यक्ति का नाम है लाप्लास। क्या नाम है, लाप्लास, लाप्लास, ठीक है, याद रखे कांट और लाप्लास, ये दो लोगों की है। दोस्तों कांट ने भी अपना विचारधारा प्रस्तुत किया है, लाप्लास में भी विचारधारा प्रस्तुत किया है, दोनों व्यक्तियों का नाम है, अलग अलग वैज्ञानिकों का नाम है, ठीक है। कांट की जो विचारधारा थी दोस्तों उसको नाम दिया जाता है कांट की वायव्य राशि परिकल्पना, कांट की वायव्य राशि परिकल्पना। और लाप्लास की जो विचारधारा है उसको जाना जाता है लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, लाप्लास की निहारिका और इनका वायव्य राशि। तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, कांट की वायव्य राशि परिकल्पना, कोई दिक्कत, याद रखिएगा। और इनको दोस्तों इनकी थी निहारिका परिकल्पना, निहारिका को आधार माना था इन्होंने, निहारिका परिकल्पना, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं। और एक चीज और याद रखिएगा, यहां पर एक तारा का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तभी आप समझ पाएंगे कि अद्वैतवादी क्या है। मैं तो आपसे पहले भी कह चुका हूं ये ऐसी टॉपिक है कि किताब से पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, मैं समझा दिया, अब किताब पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा भी आएगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले मैं दोस्तों बात करूंगा कांट के बारे में, तो सब मिटा दे रहा हूं और कांट के बारे में लिखता हूं, ठीक है। चलिए
समझ में आ रहा है कि नहीं? मेन चीज है, देखिए समझ में आना चाहिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इंजॉय करके पढ़ाई करिए, ठीक है? तो यहां पर नोट करता हूं मैं, कांट की वायव्य परिकल्पना, ठीक है, वायव्य परिकल्पना। अब दोस्तों देखो, यहां पे मैं पहले ही कह चुका हूं कि परिकल्पना है, ठीक है, यानी हाइपोथेसिस है केवल कि कैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी। भाई आप भी रखो ना अपनी परिकल्पना, आप ही बता दो कि कैसे हुई उत्पत्ति, कोई रटने वाली बात थोड़े, आप बताओ। तो आप चीजों को सुने होंगे, कुछ ना कुछ बचपन में सुने होंगे ना, कोई ना कोई कहानी सुने होंगे आप, कभी सुने होंगे कोई कहता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति जल से हुई है, कोई कहता है, भाई सुने है ना, हमारे पुराणों में भी लिखा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, जल से हुई है। तो किसने कहा था जल से हुई? थेल्स ने माना कि नहीं से हुई है? कुछ लोगों ने कहा कि अग्नि से हुई, कुछ लोगों ने कहा पदार्थ से हुई, कुछ लोगों ने कहा वायु से हुई, ये तो ठीक है। अब यहां पर कांट की वायव्य परिकल्पना जो है, ये कहते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से हुई है। किससे हुई है? सूर्य से हुई है। अब आप भी सुने होंगे, कभी-कभी आप बचपन में कोई कहानी सुनाया होगा, हो सकता है आपको, कि भाई कुछ लोगों का मानना था कि पृथ्वी हमारे सूर्य से ही निकला हुआ एक छोटा सा अंश है, धीरे-धीरे ठंडा होकर के क्या बन गया? ग्रह बन गया, ये धीरे-धीरे ठंडा होकर प्लैनेट बन गया, ऐसा सुना होगा आपने, ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि द्वैतवादी परिकल्पना जो थी या संकल्पना जो थी वो आपने नहीं सुना होगा, ठीक है, कि दो तारों की संकल्पना आपने बचपन में नहीं सुना होगा, नहीं, हो सकता आपने सुना भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि कांट की वायव्य राशि परिकल्पना क्या कहती है, ठीक है। दोस्तों एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कांटे द बफन। क्या नाम था? कांटे द बफन, ठीक है। 1749 में कांटे द बफन ने, यहां पर लिख रहा हूं, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कांटे द बफन। 1749 में दोस्तों इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, और क्या कॉन्सेप्ट दिया? एक तारा का एक कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने सबसे पहले, ठीक है। इन्होंने दोस्तों सबसे पहले यह दिखाया कि जो सूर्य है, बहुत इत्मीनान से देखिएगा, बड़ी गजब की कहानी है, बहुत मजा आने वाला है। इन्होंने कहा दोस्तों कि जो सूर्य है, ठीक है, ये मान लीजिए मैंने बना दिया सूर्य, ठीक है, ये हो गया सूर्य आपका, ठीक है, ये हो गया सन, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो सूर्य है ये एक तारा हुआ करता था, ठीक है, और इस तारे से दोस्तों, इस तारे से ही क्या हुआ, दूसरे ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। लेकिन अब आपके मन में एक चीज आएगा कि कैसे अचानक से दूसरे ग्रह तो आ नहीं गए। इन्होंने कहा दोस्तों कि एक धूम केतु था। अब आप नाम सुने होंगे, मैं आपको पढ़ाया हूं धूम केतु क्या होता है, ठीक है। इन्होंने कहा दोस्तों कि एक धूम केतु था, वो धूम केतु तेजी से सूरज की तरफ आ रहा था, तेजी से आ रहा था सूरज की तरफ, ठीक है, और सूरज से आकर के धूम केतु टकरा गया। बहुत बड़ा धूम केतु था। इन्होंने क्या कहा कि जो हमारा सूरज है वो क्या एक तारा है, ठीक है, सूरज के अंदर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चल रही है जिसके कारण असीम ऊर्जा जनरेट हो रही है और उसी से प्रकाश मिल रहा है, ठीक है। सूरज के पास अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी है और सूरज किसी भी चीज को अपनी तरफ खींच सकता है क्योंकि उसके पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। तो एक धूमकेतु था और वो धूमकेतु को क्या करने लगा, अपनी तरफ खींचने लगा। ये धूमकेतु आकार में बहुत बड़ा था और ये धूमकेतु आके टकरा गया सूरज से। जब ये धूमकेतु सूरज से आके टकराया ना, तो सूरज से कई सारे छोटे छोटे हिस्से टूट करके बाहर हो गए। मैंने आपसे कहा एक कल्पना है, एक सोच लो कि कुछ ऐसा ही हुआ होगा, ये सूरज, ये धूमकेतु आया, ये लड़ा और ये सूरज के कुछ हिस्से टूट गए। अब यहां से जो मलबा निकला, क्या निकला यहां से, यहां से जो मलबा निकला दोस्तों, यहां से जो मलबा निकला लड़ने के बाद, ठीक है, जो मलबा निकला उसी मलबे से क्या बना है, उसी मलबे से ग्रहों का निर्माण हुआ है, उसी मलबे से ग्रहों का निर्माण हुआ है। ये कॉन्सेप्ट किसका था? ये कॉन्सेप्ट था कांटे द बफन का। किसका कॉन्सेप्ट था? कांटे द बफन का, जो कि क्या थे, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। अच्छा, ये तो इनका कॉन्सेप्ट था और इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने दिया था 1749 में। अब आगे बात आती दोस्तों कांट की वायव्य परिकल्पना क्या थी, उसके बारे में कांट का क्या मानना था, यानी कांट की वायव्य परिकल्पना से पहले मार्केट में एक परिकल्पना पहले से थी जो कि एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, नाम था कांटे द बफन, ठीक है। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, पूरी दुनिया इसी को मान रही थी कि हाँ कुछ ऐसा ही हुआ होगा जिसकी वजह से पृथ्वी का निर्माण हुआ होगा। अब जो कांट थे दोस्तों, कांट के बारे में बताता हूं आपको, अब इसको हटाइए, ठीक है। अब देखिए यहां पर कांट जो थे, कांट दोस्तों एक जर्मन वैज्ञानिक थे, जबकि आपके फ्रांसीसी वैज्ञानिक कौन थे,
रामटे द बफन फ्रांसीसी थे दोस्तों, जर्मन वैज्ञानिक थे और इन्होंने 1755 में, ज़्यादा दिन नहीं बीता, 1749 में इन्होंने अपनी बात कहा और 1755 में कांट की व्याख्या आ गई। कांट ने कहा दोस्तों, कांट ने देखिए एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक वैज्ञानिक तरीके से इस चीज़ की व्याख्या किया और कांट ने आधार माना निहारिका को। किसको आधार माना? तो याद रखे कांट ने आधार माना निहारिका को, ठीक है। आप सभी जानते हो निहारिका क्या होता है, ठीक है। निहारिका गैस और धूल कणों का एक ऐसा समूह होता है, ठीक है, जिसके अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, धीरे धीरे पिंड का रूप धारण कर लेता है, तेजी से चक्कर लगाता है, सब कुछ आपको पढ़ाया हूं, ठीक है। तो ये निहारिका, अब दोस्तों ये जो निहारिका था इसी का कांसेप्ट लिया, इसी को आधार माना और कांट ने व्याख्या किया कि निहारिका जो थी ये अत्यधिक घूर्णन कर रही थी, तेजी से घूम रही थी अपने अक्ष पे निहारिका, ठीक है, और अत्यधिक घूर्णन के कारण निहारिका में ऊष्मा की वृद्धि हो जाती है। सिंपल सी बात है, अरे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम करता हूं, आपको यहां पे खड़ा करा के तेजी से चक्कर लगवाता हूं, ऐसे गोल 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 गोल, कुछ टाइम बाद आपके शरीर में क्या होगा, ऊष्मा जनरेट होने लगेगी, ठीक है, और आपको गर्मी होने लगेगा, एहसास होगा ना गर्मी का। बस यही तो कह रहा हूं, कहां आपसे कुछ ज्यादा कह रहा हूं, ठीक है। कांट की व्याख्या एक सैद्धांतिक तरीके से व्याख्या, मतलब वैज्ञानिक तरीके से व्याख्या कर रहे हैं, कांट की एक एक बात को आप समझिएगा। कांट ने कहा जो निहारिका थी ये निहारिका घूर्णन कर रही थी, आपको कोई याद पत्ती, ये निहारिका क्या कर रही थी, ये निहारिका घूर्णन कर रही थी और घूर्णन के बाद दोस्तों क्या हुआ, इसमें ऊष्मा की वृद्धि हो गई, ऊष्मा की वृद्धि हो गई। एक एक पॉइंट यहाँ नोट कर लीजिए आप, ठीक है, इसमें ऊष्मा की वृद्धि हो गई। कोई दिक्कत दोस्तों? सिंपल सी बात बता रहा हूँ, कांट ने कोई बड़ी बात नहीं बताया। कांट ने कहा 1755 में कि जो निहारिका था, ठीक है, इस ये निहारिका क्या कर रही थी, घूर्णन कर रही थी और घूर्णन के वजह से इसमें ऊष्मा की वृद्धि हो गई। ये कांसेप्ट नंबर वन। कांसेप्ट नंबर टू में दोस्तों, टू में सेकंड में कांट ने ये कहा कि जब ये क्या हुआ, जब ये तेजी से घूमने लगा, ऊष्मा में वृद्धि होने लगी, तो जो अपकेंद्री बल था, अब यहां पे आपको डाउट हो सकता है, मेरी एक बात को नोट करिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से नोट करिएगा। चलिए यहां से ब्लू वाले पेन से मैं लिख देता हूं, ठीक है। इन्होंने कहा कि घूर्णन करने की वजह से जो अपकेंद्रीय बल था, अपकेंद्रीय बल, ठीक है, वो अभिकेंद्रीय बल से अधिक हो गया। क्या कहा दोस्तों? इन्होंने कहा कि अपकेंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल से, अभिकेंद्रीय बल से अधिक हो गया। मान लो अभिकेंद्रीय बल एक था तो अपकेंद्रीय बल कितना हो गया, दो हो गया, ठीक है। यानी आपको क्या खाली याद रखना, आपको खाली यही याद रखना है कि अपकेंद्रीय बल क्या हो गया, अभिकेंद्रीय बल से ज्यादा हो गया। फिर से मैं बोल रहा हूं दोस्तों, अगर आप नहीं याद कर पाओगे तो ये संकल्पना परिकल्पना आपके समझ में नहीं आएगी और आप एग्जाम में सही नहीं कर पाओगे। आपके एग्जाम में पूछता है कि इन्होंने कहा था ये काम, ठीक है, तो याद रखिए इन्होंने खाली एक कांसेप्ट दिया कि अपकेंद्रीय बल जो है वो अभिकेंद्रीय बल से क्या गया, ज्यादा हो गया, यानी ये वाला ज्यादा हो गया, ठीक है, याद रखिए। अब ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ, अपकेंद्रीय बल जब ज्यादा हो गया अभिकेंद्रीय बल से, तो अधिक होने की वजह से जो निहारिका थी दोस्तों, निहारिका से गोल गोल आकार के छल्ले बाहर निकले। क्या हुए? छल्ले। अब आपको नहीं समझ में आया, मैं एक कहानी आपको सुनाता हूं। अगर दोस्तों मैं आपको यहां पर खड़ा करके तेजी से नचाऊं, इतना तेज मूव करा दूं, इतना मूव करा दूं कि जो अभिकेंद्रीय बल है वो कम हो जाए और अपकेंद्रीय बल आपका अधिक हो जाए, तो पता चला आपका हाथ उखड़ के निकल गया, आपका सर उखड़ के निकल गया। आप समझो उस चीज को, एकदम इत्मीनान से समझोगे समझ में आएगा, ठीक है। तो ये चीज हो सकता है कि नहीं, बस कुछ वैसा ही हुआ हमारी निहारिका के साथ, ठीक है, हमारी निहारिका के साथ। हो सकता है आपके शरीर में ऐसा ना हो, क्योंकि हमारा पूरा शरीर एकदम ज्वाइंट है, हड्डियां मजबूत है, हो सकता है ऐसा ना हो। एक आपको सिंपल सा उदाहरण पेश करने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ दोस्तों कि जो निहारिका था उस निहारिका से कई सारे छल्ले बाहर निकले। किसकी वजह से? इस अपकेंद्रीय बल के अधिक हो जाने की वजह से निहारिका से छल्ले रूपी संरचना, छल्ले रूपी संरचना क्या हुई, अलग हुई और कालांतर में चल करके यही अलग हुई संरचना ही क्या बनी, ग्रह बनी। क्या बनी? यही प्लैनेट बना। और जो छल्ले, जो मतलब जो निहारिका का अवशेष बचा रह गया ज्यादा मात्रा में, जो निहारिका का अवशेष बचा रह गया, वही क्या है, सूर्य है। वही क्या है? सूर्य है। सिंपल सी बात, बहुत कठिन बात नहीं बता रहा हूं। आधुनिक विचारधारा दो हिस्सों में बांटी गई, एक अद्वैतवादी परिकल्पना, एक द्वैतवादी परिकल्पना। अद्वैतवादी परिकल्पना में क्या कहा गया, एक तारे का कांसेप्ट रखा गया। द्वैतवादी में दो तारे का कांसेप्ट रखा गया। एक तारे की परिकल्पना में दोस्तों दो महान वैज्ञानिकों का नाम आता है, एक कांट का आता है, एक लाप्लास का आता है।
कांट से पहले भी एक वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था कांटे द बफन। कांटे द बफन ने 1749 में एक बात बताई थी कि सबसे पहले हमारे सौरमंडल में सूर्य एक तारे के रूप में विद्यमान था, उससे एक धूमकेतु आके टकरा जाता है जो कि आकार में बहुत बड़ा होता है। इसके बाद उसके टकराने के बाद सूर्य के कुछ हिस्से सूर्य से अलग होते हैं, ठीक है, और वो सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे जो अलग हुआ पदार्थ था वो ठंडे होकर के सूर्य के ग्रह चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह के रूप में आज हमें नजर आते हैं। लेकिन ये सारी कहानी दोस्तों अरबों वर्षों में घटित हुई है, एक दिन की बात नहीं है, अरबों वर्षों में कहानी घटित हुई है, धीरे धीरे हुई है। ये कांटे द बफन की बात थी दोस्तों। इसके बाद कांट की वायव्य परिकल्पना जो थी वो ये बताती है कि सबसे पहले एक निहारिका हुआ करती थी, निहारिका में तेजी से घूर्णन हो रहा था, घूर्णन की वजह से उसके अंदर ऊष्मा की वृद्धि हो गई और उसके वजह से जो अपकेंद्री बल था वो अभिकेंद्री बल से अधिक हो गया और जिसके वजह से निहारिका से कई छोटे छोटे छल्ले के रूप में संरचनाएं बाहर निकली और उन्हीं संरचना को आज हम ग्रह के रूप में देखते हैं, क्योंकि धीरे धीरे जब वो संरचनाएं ठंडी हो गई तो किसका रूप धारण कर ली, ग्रह का रूप धारण कर ली। खत्म कहानी, इतनी बात तो था। अब इतनी बात भी अगर नहीं याद आ रहा है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं बताइए, कुछ नहीं कर सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया। और बाकी जो उस निहारिका का अवशिष्ट भाग था, अवशेष था, वो सूर्य के रूप में आज भी विद्यमान है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों लाप्लास के बारे में पढ़ने, ठीक है। अब यहां मिटाता हूं दोस्तों। देखिए लाप्लास के बारे में यहीं से बता दूंगा, ज्यादा कुछ लाप्लास ने नहीं कहा है, ठीक है। चलिए लाप्लास की दोस्तों लाप्लास की जो परिकल्पना है उसको निहारिका परिकल्पना भी कहा जाता है। लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, ठीक है। अब देखो लाप्लास की जो निहारिका परिकल्पना थी ये क्या कहती है दोस्तों। जाहिर सी बात, इन्होंने निहारिका को आधार माना, अरे कांट ने भी तो यही निहारिका को आधार माना था, तो लाप्लास ने भी निहारिका को आधार माना, ठीक है। और इसकी व्याख्या करते हुए लाप्लास ने एक बुक भी निकाला, द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। कौन सा बुक आया? द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड, ठीक है। और ये बुक आई थी दोस्तों 1796 में, 1896 मत करिएगा, डायनामाइट की खोज हुई थी, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, 1896 में मृत्यु हुई थी उनकी, याद रखिएगा, ठीक है। मैं 1796 की बात कर रहा हूँ। द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड नामक एक बुक लिखा किसने? लाप्लास ने। और उसी किताब में दोस्तों लाप्लास ने निहारिका की परिकल्पना के बारे में बताया। और दोस्तों इन्होंने क्या बताया? इन्होंने भी आधार निहारिका को माना। इन्होंने कहा कि देखिए निहारिका का आविष्कार जन्म कार तो नहीं, निहारिका का निर्माण अरबों वर्षों पहले हुआ था, तो धीरे धीरे जो निहारिका थी ये ठंडी होगी कि नहीं होगी, जाहिर सी बात है धीरे धीरे ठंडी होगी। अब देखिए इनका कॉन्सेप्ट अलग है, चलिए इसको मिटाई देता हूं मैं, नहीं तो हो सकता आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने दोस्तों जो अपना कॉन्सेप्ट दिया वो निहारिका को मान के दिया, और इन्होंने क्या बताया कि जो निहारिका थी वो धीरे धीरे क्या हो रही थी, पहले ठंडी हो रही थी, अब ठंडी होने की वजह से क्या होगा मैं बता रहा हूँ, सारी कहानी एकदम इत्मीनान समझिएगा, दोनों लोग की बातें सही है। इन्होंने कहा जो निहारिका थी ये धीरे धीरे क्या हो रही थी, ठंडी हो रही थी, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अगर कोई भी चीज़ मैं आपसे कहूँ कि कोई भी चीज़ धीरे धीरे ठंडी हो रही है, तो बताइए पहले कि उसका आंतरिक भाग ठंडा होगा सबसे कोई गर्म चीज़ का, या बाह्य भाग ठंडा होगा? तो आप कहोगे सर नहीं, सर किसी भी चीज़ का जो बाहरी हिस्सा होगा, जो बाह्य भाग होगा, सबसे पहले वो ठंडा होगा। तो आप बताओ दोस्तों ये जो निहारिका थी इसका सबसे पहले कौन सा हिस्सा ठंडा हुआ होगा? बाहरी हिस्सा ठंडा हुआ होगा। अब दोस्तों अगर बाहरी हिस्सा ठंडा होगा तो एक बात बताइए, निहारिका का जो आकार होगा क्या उस आकार में भी कोई परिवर्तन होगा? जी हाँ दोस्तों, आकार में परिवर्तन होगा। जब कोई चीज गर्म होती है तो उसमें प्रसार होता है, वृद्धि होती है, और जब कोई ठंडी होती है तो उसके आयतन में कमी होती है। क्या होती है? उसके आयतन, उसके आकार में क्या होती? कमी होती है। सिंपल सी बात है, जब यह ठंडी होगी तो निहारिका का आकार क्या होगा? पहले की अपेक्षा कम होगा। अब दोस्तों अगर आकार कम होगा तो आकार के कम होने से ठीक है गति कैसी होगी, उसकी स्पीड कैसी होगी? तो याद रखिए गति बढ़ जाएगी, ठीक है, गति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर आकार कम होगा, आयतन कम होगा, तो याद रखिए आसपास के अणु और ज्यादा पास आएंगे, तो गति यहां पर क्या हो जाएगी? और बढ़ जाएगी। और गति के बढ़ने पर वही घूर्णन गति बढ़ जाएगी। अरे यही बात तो कांट ने भी कहा था कि निहारिका में घूर्णन गति की वृद्धि हो गई, और वृद्धि इतनी ज्यादा हो गई कि अपकेंद्री बल अभिकेंद्री बल से अधिक हो गया, और वही चीज यहां भी कहा गया। तो यहां पर फाइनल बात जो निहारिका से चल करके कहां आ गई थी? घूर्णन गति पर आ गई थी।
थी। इनका भी मानना था कि घूर्णन गति बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और यही बात उनका भी मानना था, कांट का भी मानना था। तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर नहीं था। अंतर किस बात का था दोस्तों? तो अंतर इस बात का था कि जब इन्होंने कहा कि घूर्णन गति बढ़ गई, ठीक है, तो बढ़ने के बाद क्या हुआ, इन्होंने कहा कि जो अपकेंद्रीय बल था, जो अपकेंद्रीय बल था वो किससे ज़्यादा हो गया, तो इन्होंने कहा कि वो गुरुत्वाकर्षण बल से ज़्यादा हो गया। किससे ज़्यादा हो गया? गुरुत्वाकर्षण बल से ज़्यादा हो गया। और इसी के जगह पर कांट ने क्या कहा था? तो कांट ने कहा था दोस्तों कि अपकेंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल से ज़्यादा हो गया था, ये कांट का मानना था, और अपकेंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण से बल से ज़्यादा हो गया, लाप्लास का मानना था। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। और इसकी वजह से छल्ले अलग हुए, और छल्ले अलग होने के बाद वही क्या बन गए? ग्रह बन गए। जो शेष बच गया वो सूर्य हो गया, तारा हो गया, ठीक है, और उसी के चारों तरफ जो है सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, और उसी में से एक ग्रह हमारी पृथ्वी भी है। तो हो गई ना बात कि पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ, समझ में आ गया। ये तो एक तारे के कांसेप्ट था, ठीक है। इसके अलावा आगे चल के एक रॉस नाम के वैज्ञानिक का नाम आता है दोस्तों। रॉस ने भी दोस्तों इस परिभाषा को और आगे बढ़ाया, और उन्होंने बताया कि किस तरह से पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ, आविष्कार हुआ, ठीक है। ये चीज आविष्कार क्या, उत्पत्ति हुआ। अच्छा, ये कहां के निवासी थे? ये भी फ्रांसीसी थे, याद रखिएगा। लाप्लास भी क्या थे? ये फ्रांसीसी थे, इसको याद रखिएगा। आगे की क्लास में दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊंगा पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित द्वैतवादी विचारधाराओं के बारे में, ठीक है। यानी दो तारे का सिद्धांत क्या था वो आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें माना जाएगा कि सूर्य एक तारा था, एक दूसरा तारा आ गया, ओहो, और दूसरा तारा आके उससे टकरा गया, और उसकी वजह से ऐसा हुआ। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, दो तारे नहीं, एक तीन तारे हुआ करते थे, एक तारा से एक तारा जाके मिल गया और एक तारा जो है जाके विस्फोट हो गया। कुछ लोग कहेंगे कि तारे की मृत्यु हो गई। कुछ लोग कहेंगे एक तारा था वो बुढ़ा हो गया था, मर गया, और उससे जो है उसके मलबों से क्या हो गया, ग्रहों का निर्माण हो गया। ऐसे ऐसे अनेक लोगों का अनेक तरह के चीज़ें कहना है, तो इसको आप याद रखेगा। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों उसकी बात करेंगे, और उसके बाद वाली क्लास तो और मज़ेदार है, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे महाकल्प क्या होता है, कल्प क्या होता है, सारे युगों के बारे में पढ़ेंगे, किस युग में किसका निर्माण हुआ। पूछता है ना क्वेश्चन कि अरावली पर्वत श्रृंखला किस युग में बनी, आप नहीं बता पाते, कन्फ्यूजन। हिमालय पर्वत श्रृंखला कब बनी, विंध्य पर्वत का निर्माण कब हुआ, रॉकीज पर्वत, एंडीज पर्वत, प्रशांत महासागर, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और बड़े डाउटफुल होते हैं यार कि हम इसका उत्तर क्या दें, ठीक है। मरुस्थलों का निर्माण कब हुआ, पठारों का निर्माण कब हुआ, दक्कन का पठार कब हुआ, छोटा नागपुर का पठार कब बना, ये तो हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछता है, वर्ल्ड परिप्रेक्ष्य में भी पूछता है, विश्व के परिप्रेक्ष्य में भी आपसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो जब आपको पता होगा कि काल का निर्धारण कैसे होता है, तब तो आप बता पाओगे। तो अगली क्लास में दोस्तों वही हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप इंतजार करिएगा, पूरी क्लास को देखिएगा, पूरी ज्योग्राफी मैं एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ा के खत्म करूंगा, जैसे हम लोगों ने हिस्ट्री को समाप्त किया, हिंदी को पढ़ा, बायोलॉजी को पढ़ा, पॉलिटी को पढ़ा, ठीक है, हिस्ट्री में भी एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न सब एक एक करके अच्छे से कवर किया, वैसे ही ज्योग्राफी भी आपकी कवर होगी, फुल डिटेल में कवर होगी, नो डाउट, ठीक है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो बस निवेदन इतनी बात का है कि आप शेयर जरूर से करिए, ठीक है, इतना काम करिए, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। हर एक सब्जेक्ट पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छे ढंग से निभाऊंगा, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।